कर्पूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हे गाइस नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। तो दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं भटकने के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं उसी ना आपको दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक हमारा ब्लॉग देखिए। तो अभी फिर से आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ, खाना खा लिया हूँ, नहा लिया हूँ, सब कुछ बस जाने की तैयारी के लिए कर रहा हूँ। मतलब जाने की तैयारी है, बस थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। जैसा भी होगा, जो भी सीन होगा, सबको दिखाएंगे बस। ओके, तो मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार। तो मैं तैयार हो गया हूँ जाने के लिए, डिजायर से जाना है। कभी कभी तो मौका मिलता है यार घूमने का, तो बस घूम लेते हैं। देख सकते हो सीन कुछ ऐसा है, और ऊपर का भी देख सकते हो कुछ ऐसा है, अच्छा है, अच्छा है। तो चलो चलते हैं, कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे। तो मित्रों अभी हम लोग बोराई पहुँच गए हैं, और बोलबम वालों का आज भी चल रहा है, देख सकते हो। कल मतलब आज सोमवार है ना, तो रख विश्वास तू है शिव का दास। तो भाई लोग देख सकते हो छोटे छोटे, अरे तुमन गला वहां रैंक ते आता हो, कई कलर रैंक था कहा वहां ले नहीं रहेंगे, मंदिर का नाले वहां ले रहेंगे हो, लाइक किया। ये छोटे छोटे बच्चे लोग भी वहां से चलते आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और हम जवान आदमी बड़े हैं इधर। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सामने में है हनुमान जी की मूर्ति, वहां पर थोड़ा रुकेंगे, चलिए। तो दोस्तों यहां पर पहुंच गए हैं हनुमान जी की मूर्ति में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहुं कलेश विकार। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर, सॉरी चश्मा लगा लिया था, ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर है अभी, तो चलो। तो दोस्तों महाकाल का तिलक भी लग गया, देख सकते हो आप लोग, ये तीनों को ही लगा लिए हैं। तो चलो चलते हैं। मेरा ये वाला मिट गया, मैं मिटाया इसको, फिर से लगाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आधा हो गया था, इधर से ऐसे हो गया था, हाथ से टच हो गया तो मिट गया हल्का सा। तो उसको फिर से नीचे जाते टाइम लगवाएंगे, बच्चे लोग वहां पर हैं। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। अरे राजू चला, फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। ये पास अभी टंकी में पैर धोएंगे, उसके बाद मंदिर के अंदर घुसेंगे। हाँ तो चलो चलते हैं। तो मित्रों अंदर पूजा कर लिए, लेकिन वीडियो फोटो लेने के लिए मना किया, इस बार भोले का प्रसाद मिला। रख विश्वास हम है शिव के पास। तो चलो अभी जाएंगे नीचे, उसके बाद ये पास थोड़ा रुकेंगे और उसके बाद जाएंगे नीचे। तो मित्रों पूजा पाठ कर लिए, थोड़ा सा विचरण कर रहे हैं इधर, इधर का सीन देखने के लिए आए हैं हम। इधर देखिए कुछ ऐसा है सीन इधर का, नीचे से मस्त, ऊपर से हरा भरा दिखता है, और इधर साइड में मंदिर है, मंदिर के पीछे साइड से आना है। इसको लगाए हैं ताकि इधर आने से कोई गिर ना जाए, इसलिए हमको भी थोड़ा सा सावधान। मस्त हवा आया, गर्मी लग रही थी मेरे को। सीन देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मस्त गजब गुड, एक नंबर वीडियो बनाए जी। ये है पूरा सिहावा राज, ये जो दिख रहा है यहाँ से, बस ये पूरा सिहावा राज है, और इसके इधर जाएंगे तो नगरी पड़ता है, और इधर से इधर है बोलबम वाले, जहाँ से कांवर यात्रा करते हैं, यहाँ पर भी आए हैं श्रद्धालु भक्त और बहुत सारे लोग। हम भी यहाँ का सीन देखने के लिए आए हैं, देख रहे हैं, बढ़िया है। और ये है मंदिर, इधर गए थे हम पूजा करने के लिए यहाँ से, और इधर से नज़ारा देखिए, अरे बाप रे। रख विश्वास हम है शिव के पास, रख विश्वास हम है शिव के पास।
तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। देख सकते हो सीन कुछ ऐसा है नीचे जाते टाइम का। यहाँ से चलेगा, हो गए तो अभी हम लोग पहुंच गए गाड़ी के पास। अभी हम लोग जाएंगे, जहां जाएंगे वहां का सीन दिखाएंगे। तो मित्रों हम लोग पहुंच गए हैं मेचका, मतलब एक गांव का नाम मेचका है दोस्तों। अभी ये शंडू डैम है, आप लोग देख सकते हो बड़ा सा ये है। हाँ, तो अभी आगे का सीन दिखाएंगे आपको, जाके पिछले व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा, तो अभी का सीन भी देखते हैं कैसा है। तो चलो आई एम वी आर सेकंड टाइम विजिट टाउन मेचका, मतलब दोस्तों शोंडू डैम। इधर से तो नहीं जाऊंगा मैं, इधर एक बार मधुमक्खी ने इधर काटा था, इधर आज किधर काटेगा पता नहीं। तो अभी हम ऊपर साइड से जा रहे हैं, इस रास्ते से जाएंगे। आगे का सीन दिखाएंगे आपको, कितना जल है मतलब पानी है यार तालाब में डैम में। तो चलो चलते हैं, उतना टाइम वहां का सीढ़िया चढ़े थे, अभी यहां का सीढ़िया चढ़ेंगे। हाय रामा। तो मित्रों अभी भी पानी कम है यहाँ पर, अभी उतना पानी नहीं आया है, इस बार अच्छे से बारिश नहीं हुई है। इधर तो मेरे ख्याल से शायद ही बारिश हुई है, देख सकते हो, वरना पूरा पानी गंदा रहता। अभी भी कूल है, साफ है, साफ सुथर, मस्त, गजब, गुड, एक नंबर बढ़िया वाला है सीन। देखिए मस्त यहाँ का जलमग्न क्षेत्र, वाव। तो यहाँ का सीन तो पहले जैसा ही है दोस्तों, हमने सोचा था यहाँ पर बहुत पानी होगा करके, बट देख सकते हो सीन आप लोग, जितना था उससे थोड़ा और कम हो गया है पिछले बार से। तो अभी ये पास मधुमक्खियाँ ऊपर उड़ रहे हैं, कहानी में ट्विस्ट कर देंगे। कुछ नहीं दिख रहा है, बैम बैम बैम। तो ये हम घूमते घूमते पहुंच गए कांकेर मौसी के घर, देख सकते हो सीन पीछे का, देख सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं, आशीष को लेने के लिए आए हैं, उसका तबीयत खराब है, मतलब ठीक है, ऐसी लेने के लिए आए हैं। तो चलो, तो दोस्तों मौसी के घर से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर, मतलब हम कांकेर से अभी वापस घर जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं गांव में, मिलते हैं डायरेक्ट यार। और आज का व्लॉग तो लंबा ही बनेगा लगता है, और बने अच्छी बात है। तो चलो, तो फाइनली दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। तो मिलते हैं कुछ देर बाद, थोड़ा सामान अंदर कर देते हैं उसके बाद। तो मित्रों मैं फ्रेश हो गया, रेडी हो गया मस्त, मेरे को थोड़ा सा गर्मी लगा था तो मस्त हाथ पैर मुंह सब धोया, तो थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई। और आप लोगों को आज का सीन तो पता ही है, तो आज थोड़ा ब्लॉग लंबा बन गया जैसा भी है। अच्छा लगा ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना, करोगे ना? हाँ। तो चलो मिलते हैं कल के अगली ब्लॉग में, तब तक हम एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, कल आप लोग देखोगे 8 बजे। तो मिलते हैं कल के अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।